कुमार एक किसान था, उसके तरबूज के खेत थे। गर्मी के मौसम में उसके पूरे खेत में तरबूज ही तरबूज दिखाई देते थे। देख कुमार, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है, मीठे मीठे तरबूज। वो तो है पिताजी। तरबूज उगाने का अलग ही मजा है बेटा, इसलिए तो मैं भी आपकी तरह तरबूज ही उगाऊंगा। ये हुई ना बात, तू अपनी खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल पिताजी। खेतों का काम खत्म करके शरद और कुमार दोनों घर लौटे। सुना तुमने छाया, शायद मेरी तरह किसान बनेगा और वो भी तरबूज ही उगाएगा। सोचा था तू भी पढ़ लिख कर कुछ अलग करेगा, पर तू भी खेती ही करेगा। माँ, मुझे तरबूज की खेती करना पसंद है। वो सब तो ठीक है, पर अगर तू पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगा तो तू अच्छे पैसे कमाएगा। क्या जरूरत है तुझे उस मिट्टी में दिन भर मजदूरी करने की। तुम नहीं समझोगी माँ, और रही बात पैसों की, तो पैसे तो मैं बहुत कमाऊंगा, तुम्हें बंगला बनवा कर दूंगा, बंगला। किसान कभी बंगले बांध सकते हैं क्या? मैं जरूर बांधूंगा, तुम देख लेना। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। दिखा देना अपनी माँ को कि किसान भी अमीर बन सकते हैं। हाँ हाँ, दिखाना, दोनों मिलकर दिखाना। पिताजी, मैं कृषि विज्ञान सीखना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी फसल को और बेहतर बना सकूँ। ठीक है, तो तुम दाखिला ले लो। ठीक है पिताजी। कुछ ही दिनों में कुमार को कृषि महाविद्यालय में दाखिला मिल गया और वो गांव से दूर महाविद्यालय के हॉस्टल में रहने लगा। कुमार को ये महाविद्यालय बहुत पसंद था, तरह तरह के पौधे, फूल और भी बहुत कुछ। जब भी उसे घर से कॉल आता, बहुत अच्छा है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है पिताजी, यहाँ कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं। अच्छा है, खुशी है कि तुझे सब कुछ तेरी मर्जी के जैसे ही मिल रहा है। हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ, अब बस तरबूज की फसल बेहतर कैसे करते हैं वो सीखना है। एक दिन कुमार इंटरनेट पे तरबूजों की जानकारी देख ही रहा था कि उसका ध्यान एक दिल के आकार वाले तरबूज पर पड़ा। अरे वाह, ये तो दिल के आकार का तरबूज है, क्या ऐसे भी तरबूज उग सकते हैं? कुमार ने और सर्च किया तो उसे चाइना के तरबूज के खेत दिखे, जहां छोटे तरबूज के ऊपर बस एक प्लास्टिक का ढांचा लगाने से तरबूज दिल के आकार के ही उगते हैं। ये तो हम भी कर सकते हैं, पर ये ढांचा कहाँ मिलेगा? जरूर प्रोफेसर को पता होगा। कुमार अपने प्रोफेसर से मिलने गया। सर, मैंने बताया था ना कि हमारी तरबूज की खेती है, तो मुझे ये चाहिए, ये ढांचा जिससे दिल के आकार के तरबूज उगते हैं। इंडिया में तो कोई कंपनी ये नहीं बनाती, पर मेरा एक दोस्त है, उसकी प्लास्टिक कंपनी है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं, वो जरूर ये बना देंगे। प्रोफेसर ने अपने दोस्त को कॉल लगाया और उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई। मैं तुझे फोटो और डेमिनेशंस भेज रहा हूँ, हूबहू वैसे ही चाहिए। कितने पीस चाहिए कुमार? 100 पीसेस। 100 पीसेस, कितना दाम होगा? ठीक है, चलेगा, मैंने ऑर्डर दे दिया है, बनकर आने में 2 हफ्ते लगेंगे, और 100 पीसेस के 5,000 रुपए हुए हैं। चलेगा सर, आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। मैंने तो बस तेरी मदद की, तू अपने पिताजी की मदद करना चाहता है ना, और मेरा तो काम ही है स्टूडेंट्स की मदद करना। अब इंतजार करो। अगले 15 दिनों तक कुमार बेसब्री से इंतजार करता रहा। 15 दिनों बाद कुमार का पार्सल आ गया, उसने प्रोफेसर को 5,000 रुपए दे दिए। ऑल द बेस्ट कुमार। थैंक यू सर। प्रोफेसर से सारे ढांचे लेकर कुमार अपने गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वो सीधा अपने खेतों में गया और वहां उसने हर छोटे तरबूज पर वो दिल के आकार का ढांचा लगा दिया। ये सब तू क्या कर रहा है? देखते जाइए पिताजी, बड़ी कमाल की चीज है ये। पर ये सब है क्या? आपके अमीर बनने का नुस्खा। ये सब तू क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कीजिए पिताजी, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों तक कुमार रोज तरबूजों की जांच करता, पौधों का ख्याल रख रहा था, और लगभग 1 महीने बाद
कुमार के खेत में दिल के आकार के ही तरबूज थे। ये देखिए पिताजी, ये तो बिल्कुल दिल के आकार का है। हाँ, पर इसके आकार से हमें क्या फायदा, तरबूज तो तरबूज ही है ना। हाँ, लेकिन अब ये तरबूज स्पेशल हैं। आपके तरबूज पहले 30 रुपए में बिकते थे ना, अब ये 300 रुपए में बिकेगा। कौन खरीदेगा इसे 300 रुपए में? वो भी मैंने सोच लिया है। अब सारे तरबूज टेम्पो में भरने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है। कुमार और शरद ने मिलकर सारे दिल वाले तरबूज तोड़ लिए। उन्हें अपने टेम्पो में भरकर बाप बेटे शहर आए। टेम्पो एक मॉल के बाहर रुका और वो लोग मैनेजर से मिलने अंदर गए। सर, हम किसान हैं और हमारे पास स्पेशल हार्ट शेप का तरबूज है। कुमार ने उन्हें अपने तरबूज दिखाए। मैंने ऐसे अनोखे तरबूज पहली बार देखे हैं। क्या दाम है इनका? 300 रुपए पर पीस। ठीक है, पर पहले मुझे बस 10 ही पीस चाहिए। अगर ये 10 पीस बिक गए तो मैं सारे के सारे खरीद लूंगा। ठीक है सर, आप 10 पीसेस बेचने लग जाइए, हम यही इंतजार करते हैं। मॉल में काम करने वाले लोगों ने वो दिल के आकार के तरबूजों को सबके सामने लगा दिया। जो भी मॉल में आ रहा था वो तरबूज देखकर रुक जाता। आखिर कुछ देर बाद एक औरत ने 2 तरबूज खरीदी, फिर कुछ और लोगों ने तरबूज खरीदे। महज 1 घंटे में 10 तरबूज बिक गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे यकीन था सर। मैनेजर ने कुमार से सारे तरबूज खरीद लिए और उसे 30,000 रुपए दे दिए। कुमार ने सारे पैसे अपने पिताजी को दे दिए। पहली बार में 100 तरबूज बेचकर इतने पैसे मिले हैं, 30,000। गांव में 3,000 मिल जाए तो ये भी बहुत था, ये तो 10 गुना है बेटा। पिताजी, अब आपको 1,000 उगाने पड़ेंगे। अब हर जगह आपका ही नाम होगा, टीवी पर, न्यूज पर, दिल वाले तरबूज उगाने वाले किसान शरद जी। अच्छा, हाँ, मैं और ढांचों का ऑर्डर कर देता हूँ। कुमार ने अपने प्रोफेसर से और ढांचे मंगवाए और फिर शरद के साथ साथ उसके भाइयों ने भी दिल के आकार के तरबूज उगाना शुरू कर दिया। यहाँ दिल के आकार के तरबूज फेमस हो गए। हर न्यूज और इंटरनेट पे वही चल रहा था। जैसे ही मॉल में दिल वाले तरबूज आते, सारे हाथों हाथ बिक जाया करते थे। मॉल वालों को और शरद को बहुत मुनाफा होने लगा। कुछ ही महीनों में शरद ने नए खेत खरीदे और वहाँ भी तरबूजों की खेती करने लगा। हम तो सच में अमीर बन गए कुमार। तूने सच ही कहा था कि एक दिन तू बहुत पैसे कमाएगा। मुझे लगा था किसानी में पैसे नहीं है, पर तूने मुझे गलत साबित कर ही दिया। पर मैं खुश हूँ कि तू सफल रहा। ये सब आपकी दुआ है माँ। अब मुझे कल से वापस महाविद्यालय लौटना है, और भी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है। हाँ हाँ, अच्छे से सीख और मेरा नाम रोशन कर। अगले दिन शरद वापस अपने महाविद्यालय में लौट आया। यहाँ वो वनस्पति शास्त्र सीखने लगा और वहाँ गांव में उसके पिताजी दूसरे किसानों को तरबूजों पर ढांचा लगाना सिखाने लगे। कुमार की एक छोटी सी खोज से उसके पिताजी और कई और तरबूज की खेती करने वाले किसानों की जिंदगी बदल गई। दिल वाले तरबूज मशहूर हो गए और इन्हें बेचकर गरीब किसान अमीर हो गए।